हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि TGT और PGT की बुक सोर्सेज बताइए, क्या बुक लिस्ट है कि कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का जो एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 9th, 10th, 11th, 12th, ये जो 4 ईयर्स की बुक्स हैं स्टेट बोर्ड्स की और जो सब्जेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली जो NCERT की बुक्स हैं, वो आपको डेफिनेटली पढ़नी है। नंबर टू, जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनका भी रिवीजन करना है, जो सिलेबस है वही रिवीजन करना है, सारी ग्रेजुएशन की बुक्स को रिवाइज नहीं करना है, और कम से कम इतना तो आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो फिर जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो स्पेसिफिक जो कंटेंट है उसके हिसाब से अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बुक में वो है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे चाणक्य नीति पॉलिटिकल साइंस में या सिविक्स में है तो चाणक्य नीति का फिर आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा। गाइड से आप प्रिपरेशन मत करिए, गाइड से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन की बुक्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो स्पेसिफिक जो कंटेंट है सिलेबस का, वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से कवर करिए। ये प्रिंसिपल है जो बुक्स का है कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसको इस हिसाब से पढ़िए, तैयार करिए और PGT का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। बाय।